भैया मुझे मारते हैं और इसके साथ प्रैंक कर करके मैटर। अरे आजा इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में पेस्टी कर रहा है तेरी फिर। कितना लड़ रहा है यार मेरे को नहीं कर दिए। हां ब्रोंज मेडल नहीं आया था मेरा। कौन सा ब्रोंज? भाव गर्ल कितना खा रहे हो भैया मुझे भी दे दो। मैं भी खाऊंगा। मैं तो यहाँ बैठा था, यहाँ बैठा था, आपने पहले मुझे मारना शुरू किया। मैंने क्या किया? मेरा नुकू देखो मैंने इंटेंशनली हिट करा है, खा ले। इंटेंशनली करा है, इंटेंशनली आके मारा था। वॉशरूम से निकलते गलती से थोड़ा ही लगा था। दान में स्टैंड पे बैठा और ड्यूड नहीं बोलूंगा। हम खेल नहीं देते। Way too many questions, you must think I trust you. Yeah, you searching for answers, I do not know nothing. तो कल है हो जाएगी 18 साल के, तो हमने सोचा हम इनको लेके आए एक अच्छी जगह पे। यस, तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा देखकर, हमारे पीछे इस्कॉन टेम्पल है। ये देखो यूट्यूब चैनल, और ये इसका चैनल अभी बहुत जल्द आने वाला है। ब्लॉक कर देना, ठीक है? ब्लॉक कर देना, सॉरी कॉपीराइट दे देना इसको। इसका चैनल फॉलो मत करना। जो भी इसका चैनल देखेगा ना कॉपीराइट मारूंगा मैं। सो गाइस अभी हमने इस कॉन टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं। बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए थे, बहुत मजा आया, हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और फिर आपने मेरी एक डांस करते हुए वीडियो बनाई, मैंने बाद में देखा। और अब हम आए हैं मैगी पॉइंट पे मैगी खाने। मैगी खाएंगे अभी हम, मैगी खाएंगे, तो मैगी बनाइए, देखते हैं मैगी कैसी बनती है, टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं फटाफट से। यस, और ये देखो नव्या को क्या मिला। मुझे भी तो मिला, तो आपका तो दिख ही रहा था ना। मुझे भी कुछ मिला, मुझे भी मिला कुछ, हमारे ठाकुर जी भी आए हमारे साथ। मुझे भी मिला कुछ, पर मैं दिखाऊंगा नहीं सीक्रेट। नव्या पढ़ाई करनी है तूने? नहीं, कोई ब्लॉगिंग वोगिंग नहीं करनी। ये देखो गाइस सब लोग टूट पड़े हैं मैगी के ऊपर। झूठ बोल रहा है इसने, हमें बोला आप तो चुप्पी रहो ब्लॉगर, आप तो चुप्पी रहो यार, आप तो चुप्पी रहो सच, आप तो चुप्पी रहो। बस बस आप क्या कर रहे हो तुम लोग? मैगी का शक्ल ही नहीं दिखी, खाने ही नहीं दे रहे भाई। तो मैगी की शक्ल ही नहीं दिखी, मैगी की पोजीशन ही सेट नहीं हो पा रही है। देखो देखो दिखाता हूं जूम करके, ये देखो। आप रहने दो, आपने हम सबको बोला है जबरदस्ती खाओ। पता है पर हमने क्या किया, मम्मी को बोला मम्मी खाओ, फिर नव्या को खाओ, फिर मेरे को खाओ, फिर जब हम खाने लगे तो कैमरा निकाल लिया कि भाई किसी ने बोला ही नहीं खाओ। मैं बोल देता हूं खाओ, खा ले। अब हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे हमने पहले अपना रूम लिया था, रिजॉर्ट का नाम तो मुझे याद नहीं होता। तो हम इस रिजॉर्ट में आ चुके हैं, एक बार नव्या उधर करके दिखा दे, शायद आपको याद आ जाएगा। मेरी पहले वाली इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आपने देखा होगा इसको, और हम यहाँ पे काफ़ी वीडियोस भी बनाते हैं, तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत बहुत मैसिव भी है, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। और यहाँ पे ना सुबह यहाँ पर झूले वगैरह भी है जो हम सुबह झूलेंगे। हाँ, तो कल वाले कल अभी व्लॉग कंटिन्यू करेंगे ना कल, तो फिर आपको झूले भी दिखाएंगे सब कुछ। और अभी मम्मी और प्रभ लगे हैं सारा सामान ट्रांसफर करने में, अभी फटाफट से चेक इन करते हैं और आपको रूम दिखाते हैं। चलो अरे हर माँ को हक मिलना चाहिए, इसमें क्या है? आप कभी कह रहे हो ना, आप इस बार अगली बार आप क्या नंबर पढ़ते हो? अब ये देखो और नव्या ठीक है, ठीक है नव्या, दो बेल भड़किया भड़किया तू भड़की रहती ना, वो बेल है। वो तो छोड़ दे, वो तो इंसान। गाइस आज भैया ने मुझे बहुत मारा, मुझे कड़े मारे। कहाँ मारे कड़े? एक भी निशान का कड़का दिखा दे। देख लो मेरे हाथ कभी इतने लाल नहीं हो आ गया। आज इन्होंने मेरे को ऐसे ये दोनों कड़े लेके ऐसे मारा। दोनों कड़े कैसे मारे? उसके बाद मेरी दोनों टांगे खींच दी, फिर मुझे बेड पे पटक दिया, फिर वहां पे मारा, बहुत मारा आज मेरे को भैया ने।
आप हर बारी जब भी हमें बहुत सारी फैम जो है वो मिलती है, और जब हमने वीडियो कॉलिंग भी करती तब भी बहुत सारी फैम ने बोला था कि भैया आप राशि दीदी को परेशान मत पर क्या करो, लोग घर की रियलिटी नहीं जानते कि लेकिन मुझे भी कितना परेशान है। सो गाइज आप प्लीज अब आगे से ये भी बोलना कि आप राशि और नवया दोनों को मत परेशान किया करो, क्योंकि आप बहुत परेशान करते हैं। भैया मुझे मारते हैं और इसके साथ प्रैंक कर करके मैटर। सो गाइज ये हम सबको पागल करने में लगा है। क्या कह दिया? मैं धार्मिक स्थान पे बैठा हूँ, भगवान की बात करता हूँ। देखो मैंने इंटेंशनली हिट करा है, खाली इंटेंशनली करा है, इंटेंशनली आके मारा था, वो फिर मुझे निकलने गलती से थोड़ा ही लगा था। धार्मिक स्थान पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। हम खेल नहीं देते, आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि बकवास सुनने के लिए। 25 साल के भैया 15 साल के बच्चे को मारेंगे तो वो खेलना नहीं होता, वो मारना ही होता है। एक मिनट, उनके एक हाथ में गिर जाता हूँ मैं। एक मिनट, तू आके खेलती है पहले? पहले मैं तो यहाँ बैठा था, यहाँ बैठा था, आपने पहले मुझे मारना शुरू किया। मैंने क्या किया? मेरा नुकू देखा, ऐसे ही कड़े लग गए थे मेरे इतने। ये देखो मैं जैसे, इन्होंने इतने भारी भारी कड़े पहन रखे हैं। देखो गाइस मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो ये कड़े, जब ऐसे करके ऐसे करा मेरा नोबू तो मेरे लग गए कड़े। फिर उसके बाद ऐसे मेरे को कंबल में बंद कर दिया। जब मैं कंबल से निकला तो फिर मैंने अपने आप को डिफेंड किया, मैं डिफेंड किया, कड़े फिर बच गए। तो मेरी गलती नहीं है ना, मेरे को डिफेंड कर दिया। देखो ऐसे आज डिफेंड गाइस, मैंने भी तो कड़े पहने हैं। अब मैं 2.5 किलो के कड़े पहन लूं? डिफेंड कर, ये डिपेंड करा। तो मैंने क्या करा, यूं पकड़ के कड़े लग गए। अरे वो तो तब तो मैं जल्दी जल्दी में था ना, तो मैंने फिर अपने बजा लिए। मैंने अपनी रिपेंड किया, नहीं नहीं, फिर मैं जब उठा तो फिर मैंने ऐसे ऐसे किया, भैया ने मेरे को धक्का दिया और मैं बेड पे गिर गया। और फिर मैं बेड पे गिर गया और मेरे बहुत तोज की ये लग गया। अब तो भाई सरासर झूठ है भाई, ये विंडो बना के झूठ बोल रही है। खाले धार्मिक स्थान पे बैठी झूठी बोल रही, झूठा बोल रही। यहाँ पे तो फेंका भी नहीं था, देखो यहाँ पर आ रही है, ऐसे लात मार रही है। देख मैंने हाथ ऐसे पकड़ के फिर भी लगी हुई है। गाइस जब मैं छोटा था तब मैं टाइकोंडो करता था, तो मुझे सिखाते थे कि स्लैप किक कैसे मारते हैं। स्लैप किक, ओनली किक, स्नैप किक, स्लैप जब जोनल खेला था तब वो साइज और वेट का था। 4 मिनट की बकवास कर दी है। ब्रॉन्ज मेडल नहीं आया था मेरा, कौन सा ब्रॉन्ज मेडल? दिखाओ, गर्द आया था भगवान की कसम आया था। ऐसे ही मेरे को गोल्ड मिला था, इसका सिल्वर या गोल्ड आया था, मुझे याद नहीं। स्कूल वालों ने खा लिया था मेरा, एक सिल्वर गोल्ड वालों ने खा लिया और एक स्कूल वालों ने खा लिया और एक ब्रॉन्ज दिया था बस। सर्टिफिकेट तो सारे दे देते थे, मेडल नहीं देते थे। हां सर्टिफिकेट बहुत है, दिखाऊंगा। ये व्लॉग मम्मी का बर्थडे है या मेडल डिस्कशन? नहीं नहीं, बस बस गाइस, थैंक यू गाइस। आज बस इतना ही बताना चाहता था कि भैया बहुत मारते हैं। थैंक यू। सो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं। इतनी बिगड़ हो गई है, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं, कोई अरे फोन रह गया। हां तेरा बड़ा देखो व्लॉगर बनना, चल बनना है। इनका अपने चिल्ड्रन को कोई लेना देना ही नहीं है। अरे यार पढ़ाई पे ध्यान नहीं बिल्कुल भी। कहती मैंने ब्लॉगर बनना है, अब तो सारे रास्ते खुल गए। चलो मम्मा अभी घूमो। मम्मी का ईव है। हाँ तो कर
बुझो मेरे अंदर अब दोनों। ये कहते ब्रह्म मारता है, ये देखो ये हालत करती है ब्रह्म की। सो गाइस हम लोग आए थे अभी यहाँ पर चौपाटी, और अभी नव्या ने बस एक थाली खाई, हम लोगों ने नहीं खाया क्योंकि हमें इतना अच्छा नहीं लगा। हमने सोचा हम बाहर आके स्नैक्स लेंगे, और जब बाहर आके हम स्नैक्स पूछ रहे तो यहाँ पर सब बंद हो गया क्योंकि हम बहुत लेट भी हो चुके हैं। कितना टाइम हो रहा है? 11 बजने वाले हैं। इतनी ठंड जरूर पैदा होना सीगा आपने, जरूर पैदा होना सीगा। सो गाइस अब हम लोग घूम रहे हैं वृंदावन की गलियों में, और इस टाइम पे सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो गया है, और जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हैं वो भी बस बंद ही हो रहे हैं, और मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है दूध मिलना भी, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, 11 बज रहे हैं, सबको नींद आ गई है। और गाइस ये है प्रेम मंदिर, दर्शन कर लो सब। और अभी हम इस्कॉन टेम्पल के आगे से भी निकलेंगे ना, उसके भी दर्शन करा दूंगी। लेट हो गई थी इसलिए हमें डाइनिंग नहीं मिल पाई, तो प्रभु ने ना पैक करा लिया अपना खाना, और हम लोग तो खाना खा नहीं रहे। नव्या ने भी एक थाली खा ली थी, भाई उसने पहले खा लिया। और बच्चे मम्मी और मैं हम लोग दूध पियेंगे। उसने तो हमसे पूछा भी नहीं, टेस्ट भी करोगे? पूछा था। तुम लोग लड़ते ही रहोगे क्या? अब मेरे से बात मत करना, तुम्हारी लड़ाई नहीं खत्म हो रही है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। कितना लड़ी जा रही हो यार तुम लोग लेट आए, उसमें मेरी गलती थोड़ी है। इलेक्ट्रोलाइट नहीं, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हूं। वही लैक्टोज इंटॉलरेंस गाइस, ये पता नहीं मेरी बीमारी कब हटा, कभी लैक्टोज इंटॉलरेंस कभी भी इलेक्ट्रोलाइट, इनको आता है लैक्टोज इंटॉलरेंट बोलना नहीं है। अभी तो तूने मेरे को बोला इलेक्ट्रो इंटॉलरेंट होता है, इंटॉलरेंट इंस्टॉलमेंट में है, आजा इंटॉलरेंट पूछ लो, दूध भी नहीं मिलेगा वरना। वो आगे मिलेगा, आगे बंद हो गया ये। अरे आजा इंस्टॉलमेंट में है। अच्छा इंस्टॉलमेंट में पेस्टी कर रहा है तेरी फिर। कितना लड़ रहा है यार मेरे को, नहीं पढ़ना भूल गए ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप पढ़ो। भैया की एडिटिंग पे सबको हो रहा है भरोसा। ओहो भैया के खाने पे जो मारूंगा आज मैं, आज के बाद एडिटिंग में एक गलती हुई। गाइस देख रहे हो ये लोग कितने स्मार्ट जा रहे हैं, अब ये किचन में खाना खाने लगे हैं। किचन में खाना अच्छा होता है तो स्मार्ट ही बोला है, बेवकूफ थोड़ी बोला है। सो गाइस अब हम आ गए हैं होटल, और भैया कितना खा रहे हो, भैया मुझे भी दे दो, मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। क्यों तूने हमसे पूछा? पूछा था, पूरे नजारे ले लिए, बटर नान दाल मखनी। ये डेजर्ट लास्ट में खाते हैं, डेजर्ट मेरा, आधा तेरा आधा मेरा, आधा आपका आधा मेरा। ये ले रोटी खा, डेजर्ट नहीं लेगी, डेजर्ट रख दे, रोटी खा ले, सब खा ले, डेजर्ट रख दे। एक तो भैया, एक तो सब बोलेंगे ब्लॉग में, फिर बेचारे मेरे भैया पे नाम लगा देंगे कि उन्होंने ठीक से एडिटिंग करी। अभी तो मैंने लड़ाई हो रही थी, अरे हमारी लड़ाई हो रही थी। हाँ सही बात है भैया, बिल्कुल ठीक एडिटिंग नहीं करते। चुन लो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक, नया नाम मिल गया, मैं सोच रहा था क्या रखूं, मिल गया इलेक्ट्रॉनिक। ओए तो मेरी रोटी थी ना, खा ले, मैं भी खाऊंगा, ले दे, एक बाइट खा लेते हैं। बोलेंगे बेचारे मम्मी मुझे हाथ सिखलाएंगे, एक एक ही थाली में पूरा पूरा खाना। गाइस राशि सिंक पे बैठ गई, बहुत अच्छा होता है ना, हमने किचन में खा रहे थे, लक्ष्मी आती है सिंक के पाइप के अंदर बैठ के भी खा। ऐसा किचन है जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, खाली है, पर कम से कम गंदा तो नहीं कर रहे ना बेड है। मां ये तो गर्म पानी के लिए है मम्मी, देखो हम बेड नहीं गंदा कर रहे वरना आपको रात में बेशी जान नहीं चढ़ती। बस बाहर आके मेरे पे इतनी मेहरबानी है, आज आपका बर्थडे है ना इसलिए कर रहे हैं मतलब आधे घंटे में बर्थडे है मम्मी का। मैं सोच रही हूं बेडरूम में किचन बना दूं, खुद में किचन में बैठ के खाना। सही बात है, एक दिन इसलिए कर रहे कि आज आपका बर्थडे है,
अच्छा सिर्फ आज के लिए लिया। हाँ, बस आज के लिए। ये लो देखा, मैं तो फिर भी भगवान, सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं बेहोश हो गए? कान बेहोश होते हैं, देखा मैं तो फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ आपके, तो कान बेहोश हो रहे हैं। तू देख इंटॉलरेंट में मीठा पनीर, कौन सा मीठा है पनीर? वो मैंने खाया ही नहीं। हाँ है।